तहसील के सेलोटी में नाबालिग किशोरी पर जबरन दो मर्तबा अत्याचार करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर भीवापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी पर उसी गांव के कृष्णा कामली की कुछ दिनों से नजर थी और निकटता बनाने के प्रयास में अवसर तलाश रहा था। पीड़िता छात्रा होने से वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा के मद्देनजर पिता ने उसे मोबाइल लेकर देने की बात उसे पता चली। बस किसी तरह से उसने उक्त छात्रा का नंबर हासिल कर नजदीकियां बढ़ाने मैसेज पोस्ट करने लगा और मिलने के लिए घर बुलाया। इस बात से खफा छात्रा ने उससे मिलने का कारण जानने उसके घर पहुंच गई और अफसर की तलाश में कृष्णा ने जबरदस्ती कर ली। उस घटना के दूसरे दिन पीड़ित अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आने पर आरोपी ने वहां भी पहुंचकर फिर से जबरदस्ती की। पीड़िता के चुप रहने की लाभ उठाकर वह कल 9 दिसंबर को पीड़िता अपने पुराने घर स्थित बैलों को पानी पिला रही थी। वहाँ भी वह आधमका और उससे बतियाने लगा। पड़ोसियों के द्वारा यह बात उसके पिता को पता चलने पर उन्होंने पीड़िता को डांट लगाई और बातचीत का कारण पूछने पर उसने सारी हकीकत सामने आ गई। इस पर घर वालों ने पीड़िता को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कर दी। भीवापुर पुलिस ने पीड़ित नाबालिग छात्रा की शिकायत पर धारा 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थानेदार महेश भोरटेकर की अगुवाई में जाँच शुरू है। भीवापुर से NBCN न्यूज़ के लिए राम वाघमारे की रिपोर्ट।